फ्रिज से जो कि स्पॉन्सर ही है उससे निकाल के ठंडा ठंडा पानी पिए, और उसके बाद आप फलानी वुड की कुर्सियों पे जो कि स्पॉन्सर ही है उस पे आके बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो एक और रिव्यू पे है तमाशा प्रोग्राम के। तमाशा प्रोग्राम जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे शुरू हुआ है उसके रिव्यू के हवाले से है। चार पांच किस्तें और गुजरी थी तो उसके हवाले से मैंने कहा उनका भी रिव्यू किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि क्या चल रहा है और मुझे क्या लग रहा है और कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू। तो चलें आए चलते हैं अब तमाशा प्रोग्राम के रिव्यू की सेकंड पार्ट के साथ। तो अब कोई ऑलमोस्ट 9-10 किस्तें गुजर गई इस प्रोग्राम की और जो मुझे फील हो रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से कि इसमें प्रोग्राम से ज़्यादा तो पब्लिसिटी चल रही है स्पॉन्सर्स की पब्लिसिटी, और वो भी बड़ी ही गैर ज़रूरी सी। जैसे आप टास्क करके भी पब्लिसिटी कर सकते हैं, पर ये क्या कहना कि शोल्डर से डैंड्रफ हटाए ये और खाना बने इसमें, और ये होस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के होस्ट ये बातें कर रहे हैं, एक एक चीज़ एक एक स्पॉन्सर का नाम लेके तो पब्लिसिटी कर रहे हैं और इस तरह स्पॉन्सर की मशहूरी कर रहे हैं। एक टाइम सुबह आके करते हैं और एक टाइम शाम, लेकिन एक टाइम तो ज़रूर है, अगर एक टाइम मिस भी हो जाए तो एक टाइम तो वो ज़रूर आके प्रोग्राम के अंदर आके चीज़ों के नाम ले के स्पॉन्सर के नाम ले के बिल्कुल चाइल्डिश और बच्चों वाली हरकत लगती है। तो मेरे हिसाब से तो इस प्रोग्राम का जो थीम है या जो टैग लाइन कह लें या जो पंच लाइन है वो कुछ यूँ होनी चाहिए थी, जितना स्पॉन्सर्स को मेंशन किया जा रहा है होस्ट की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पे किया जा रहा है वो कुछ इस अंदाज़ में पेश किया जा सकता है कि आप फलाने शैम्पू से, मैं अब शैम्पू ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, पर इस तरह फलाने शैम्पू से आप सो के उठें और उठ के आप सुबह सुबह नहाएं उससे सिर धोएं ताकि आपका डैंड्रफ उतरे, उसके बाद आप आके फलाने कुकिंग ऑयल से नाश्ता बना लें और नाश्ता करने के बाद फलाने वॉशिंग पाउडर से धो के कपड़े तो पहन के आप फलाने फ्रिज से जो कि स्पॉन्सर ही है उससे निकाल के ठंडा ठंडा पानी पिए, और उसके बाद आप फलानी वुड की कुर्सियों पे जो कि स्पॉन्सर ही है उस पे आके बैठ जाएं। यानी इन शॉर्ट इस तरह का कुछ किया जा सकता है, यानी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि हेड के शैम्पू से सिर धो के आके कैश के ऑयल कुकिंग ऑयल में नाश्ता बना के वेरी वेरी राइट के वॉशिंग पाउडर से धुले कपड़े पहन के लेंस के फ्रिज से पानी का ठंडा गिलास या कॉफ़ी निकाल के पी के वुड की कुर्सियों पे बैठ जाए। ये एक लाइन में इसका वो हो सकता है जितनी मशहूरी इरेलीवेंट की जा रही है गैर ज़रूरी तौर पे, इसका कोई तुक नहीं बनती होस्ट की तरफ से। वो भी एक तो ये बात थी, दूसरा भी पिछले दिनों कल परसों की किस्त में दोबारा मेडिकल का इशू एक कंटेस्टेंट को आया और अंदर कोई मेडिकल रूम नहीं है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बंदा इसका कंसीव किया जिसने ये शो, उसने हमसाया मुल्क का जो शो है ना वो लगता है उसके बड़े सीज़न हो गए हमसाया मुल्क के शो के, 14-15 सीज़न हो गए। तो लगता है उसने टूट टूट के हर सीज़न देख रहा है, कभी पहला सीज़न देख लेता है, कभी चौथा सीज़न देख लेता है, कभी 6वें सीज़न की उसकी कोई किस्तें देख लेता है, कभी 10वें सीज़न की। तो तोड़ तोड़ के टास्क चल रहा है। जो ये वाला तमाशा प्रोग्राम है इसमें हमसाया मुल्क के शो की मुख्तलिफ सीजन की कॉपीज़ हैं, इवन टास्क तक कॉपी हैं, इवन टास्क सेम टू सेम कॉपीज़ हैं। तीसरी बात जो एक और मुझे ऑड लगी वो ये कि ये लोग सारे एक्टर्स हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, मॉडल्स हैं, ये स्मोकिंग तो करते होंगे, तो स्मोकिंग रूम बना दो, बता दो अंदर शो के आवाज़ें आ रही हैं कि एक जाता है एक आ रहा है एक जा रहा है, अब आप जाए अब फलाने की बारी है फलाने की, अब पता तो है सबको, नाम नहीं मैंशन कर रहे, 14 के 14 के सिगरेट नहीं पीते, उन्हें पीते होंगे, बताओ कि स्मोकिंग रूम है वहाँ जा रहे हैं मेल्स भी फीमेल्स भी, कौन सा रियलिटी शो है ये, किस किस्म का रियलिटी शो है जिसमें रियलिटी छुपा छुपा के चला रहे हो। ठीक है आपने शो पहली दफ़ा शुरू किया है, पाकिस्तान में शो पहली दफ़ा शुरू हुआ है इस तरह का शो, लेकिन इस शो के कंसीवर्स को या इस शो के जो क्रिएटिव्स हैं उनको इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए कि इस शो की इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे। ये बिल्कुल कॉपी लग रहा है, अभी तक
10 किस्तें हुई हैं शो की, और ये 80-90% हम साया मुल्क के शो की कॉपी है। उसके अलावा अभी तक जो लगा है वो दूसरी बात मुझे ये लगी है, जो कि बड़ी ऑड भी लगी है, कि इसमें ऐसा लग रहा है कि होस्ट जो हैं उनका काम ना बस स्पॉन्सर जो हैं उनकी मशहूरी करना ही रह गया, वो भी बहुत ही बचगाना अंदाज में, बहुत चाइल्डिश वे में, जो कि बहुत ऑड लग रहा है। इतने बड़े चैनल पे आपने शो शुरू किया है तो कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था आपको, और इतना बड़ा एक्टर होस्ट कर रहा है। सो अभी तक के लिए यही रिव्यू था। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें काइंडली, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब काइंडली अपना दोस्तों को भी कहें ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।